नमस्कार दोस्तों, तैयारी गवर्नमेंट जॉब के में आपका फिर से स्वागत है। जी हाँ, आज मैं आप लोग के सामने लाया हूँ नए नए नोटिफिकेशन के साथ। इस नोटिफिकेशन में आपके स्क्रीन पे ऑलरेडी देख रहा है क्या कि रेलवे ग्रुप डी का ऑफिशियल नोटिस आज जारी हुआ है, जिसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है, वो सारे स्टेटस आपको आज देखने को मिलेंगे, वो भी रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट के मदद से। तो चलिए आज बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड वाले बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि रेगुलर बेसिस पे आपको ये अपडेट्स मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। जी हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पे ऑलरेडी देख रहे हैं, तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अभी हम गूगल के वेबसाइट पे हैं, तो चलते हैं रेलवे के वेबसाइट पे। जैसे कि मैंने रेलवे RRB पटना के वेबसाइट पे चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि क्या आज उन्होंने रिलीज किया है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम लोग आ चुके हैं रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड पटना के ऑफिशियल वेबसाइट पे। जी हाँ बिल्कुल, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड पटना के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम लोग आ चुके हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख भी रहे हैं कि यहाँ पे सेन 1 2018 नोटिफिकेशन, यहाँ पे असिस्टेंट लोको पायलट एंड वेरियस पोस्ट ऑफ टेक्निकल के लिए क्या है, नो योर स्टेट एप्लीकेशन स्टेटस जानने के लिए आप यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक कर सकते हैं। उसी तरीका से सेंट्रलाइज इक्विपमेंट नोटिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन 02/2008 नोटिफिकेशन के लिए वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 टू 7 CPCPA मैट्रिक्स के लिए यहाँ पे क्लिक करके आप जान सकते हैं। तो कैसे जानना है, इस पर क्लिक करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं बता देता हूँ ये लिंक कब तक एक्टिवेट रहेगा। तो आपको बता देता हूँ, आपको सूचित करने के लिए, कि ये लिंक जो एक्टिवेट रहेगा 11 तारीख, मतलब आज के 12 बजे से लेके 20 तारीख के रात्रि के 12 बजे तक। तो चलिए क्लिक कीजिएगा आप यहाँ पे, अगर ग्रुप डी का देखना चाहते हैं, अदरवाइज एल पे टेक्नीशियन का देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। तो ग्रुप डी के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, हमें रेफर करेगा दूसरे किसी वेबसाइट पर। यहाँ पे उन्होंने क्या सेंट्रलाइज एम्प्लॉयमेंट नोटिस यहाँ पे दिया है, कैंडिडेट्स लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पे देखिए, देखिए कैंडिडेट लॉगिन, तो यहाँ पे हमने कैंडिडेट्स लॉगिन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे वो रीजन चुनने को कर रहे हैं, हमने किस रीजन से फॉर्म डाला, अहमदाबाद, अजमेर, इलाहाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पटना, रांची और सिकंदराबाद। तो चलिए जैसा कि मैं बता दूँ, सपोज दैट आप पटना में डाले हो, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको पटना के वेबसाइट पर लॉग इन करने के लिए आपको ऑप्शन आएगा, जिसमें आपसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पूछा जाएगा और आपका डेट ऑफ बर्थ, और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा आपको दिख रहा है, वो यहाँ फिल करना है, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है, और उसके जाने के बाद आपको स्टेटस शो हो जाएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी, क्योंकि सबसे पहले आपको तैयारी गवर्नमेंट जॉब के माध्यम से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर आप LP टेक्नीशियन का चेक करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, इसी प्रकार से आपको रेफर किया जाएगा एप्लीकेशन स्टेटस के वाले पेज पे। जी हाँ बिल्कुल, तो जैसा कि एप्लीकेशन स्टेटस वाले पेज पे हमें रेफर किया गया LP टेक्नीशियन के लिए, तो हमें रीजन, किस रीजन से हमने डाला, तो वहाँ पे मैं सपोज दैट बिहार का डाला हूँ, तो अपना स्टेट बिहार डाल लेता हूँ, स्टेट बिहार के लिए मैंने डाला, तो वहाँ पे भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ पूछा जाएगा, और कैप्चा डालने के बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। देन आफ्टर आपको अपना एप्लीकेशन स्टेटस दिख जाएगा कि आपका एप्लीकेशन स्टेटस एक्सेप्ट क्या है रेलवे ने या रिजेक्ट कर दिया है। तो चलिए बिना किसी देरी के आप इसे चेक कर सकते हैं। इसका चेक करने का लिंक मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। तो चलता हूं, इतना ही आज के वीडियो के लिए। उम्मीद करता हूं आपको ये नोटिफिकेशन जो रेलवे की तरफ से आई है वो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो चलिए जाते जाते मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर वाले बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि रेगुलर बेसिस पे आपको ये अपडेट्स हमारी तरफ से मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलेंगे न्यू अपडेट्स के साथ नए वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।